सिक्स पैक एब्स। आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि हमारे जिम ज्वाइन करने का मेजर रीजन इन्हीं को अचीव करने का होता है, बिकॉज एक एस्थेटिक फिजिक के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। एंड क्योंकि मैं खुद एक बल्की फिजिक के बाद एक डिसेंट लीन फिजिक मेंटेन कर रहा हूँ, आई नो कि एप्स से जुड़े इंटरनेट पर और खासकर यूट्यूब पर काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब काफी। सिक्स पैक एब्स तब आते हैं जब पानी छोड़ देते हैं और बंदा इतना कमजोर होता है उसको धक्का मार वो गिर जाएगा। Really? So, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक लीन फिजिक के साथ अपने एप्स को विजिबल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आपके ट्रेनिंग से लेकर डाइट तक एप्स से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपसे अपनी फेवरेट एप्स की एक्सरसाइज शेयर करूंगा जिन्होंने पर्सनली मेरी हेल्प की अपने एप्स को विजिबल करने में। सो ओके, लेट्स गेट टू इट क्विक। अब पहले तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि एप्स ये सब कुछ नहीं होते, अपनी मेंटल ग्रोथ भी देखो। क्या पूरे दिन एप्स एप्स एप्स? अबे हटाओ भाइयों, एप्स आर ऑसम। सॉरी बट मैं गंदे ह्यूमर के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाह रहा था, क्योंकि यार मोस्टली लोग एप्स की सिर्फ एक अट्रैक्टिव साइड ही देखते हैं, बट यार एप्स नॉट ओनली मेक यू लुक गुड बट ऑल्सो फील गुड। ये हेल्प करते हैं आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, एंड साथ ही एप्स आपकी डिसिप्लिन और डेडिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखो यार, एप्स कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बट एज अ नेचुरल लिफ्टर इट टेक्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी टू मेंटेन देम। क्योंकि यार मैंने खुद फील किया, जब से मुझे अपने एप्स विजिबल होने लग गए मैं अपनी डाइट और ट्रेनिंग को लेकर थोड़ा और सीरियस हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्यों अपनी डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहना है और ऐसे फालतू में भटक नहीं जाना। एंड बिलीव मी और नॉट, बट आप सबके पास एप्स ऑलरेडी ही हैं, आप मानो या ना मानो बट वो हैं। जैसे इस वक्त भी मेरी बॉडी में एप्स थे, बट इसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि वो एप्स एक थिक फैट की लेयर से कवर्ड थे। सो पहले तो अपने एप्स को विजिबल करने के लिए हमें उस फैट की लेयर को हटाना होगा, जो ट्रस्ट मी 1000 क्रंचेस लगाने से नहीं होगा। क्योंकि यार ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे परफॉर्म करने से आपका उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फैट हट जाएगा। सो पहले तो प्लीज इसे परफॉर्म करना बंद करो। स्पॉट फैट रिडक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और यार ये सिर्फ मैं नहीं, साइंस और रिसर्च भी कहती है। सो कितने भी क्रंचेस मार लो, अपना बेली से फैट हटाने के लिए आपको ओवरऑल बॉडी का फैट कम करना होगा। सो अगर एप्स की एक्सरसाइज करने से बेली फैट नहीं जाएगा, सो हम कैसे अपने बॉडी फैट को कम करके अपने एप्स को विजिबल कर सकते हैं? जिसका आंसर है डाइट। सो अपने बॉडी फैट को कम करने के लिए आपको रोज एक कैलोरी डेफिसिट में खाना खाना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। अब मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिन्हें कंज्यूम करने से आपका वेट ना बढ़ेगा और ना ही कम होगा। आप इन्हें सिंपली एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसलिए आपने सुना भी होगा कि हम अपना वेट गेन करने के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिसे हम कैलोरी सरप्लस भी कहते हैं। एंड फैट लॉस के लिए हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिसे हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं, जो हम इस केस में करेंगे। एंड अपनी कैलोरी डेफिसिट की शुरुआत में आपको एकदम से 500 कैलोरीज ड्रॉप नहीं कर देनी, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक 200 के डेफिसिट से शुरुआत करो, ताकि जो कैलोरीज हमने हटाई हैं उनकी एनर्जी हमारी बॉडी फैट से लेने लग जाए। सो सपोज करो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई 2500। सो एक कैलोरी डेफिसिट करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, सिंपली अपनी डाइट से 200 कैलोरीज ड्रॉप कर दो एंड 2300 कैलोरीज कंज्यूम करने लग जाओ। नंबर 2, डाइट सेम रखो बट कार्डियो को इंट्रोड्यूस करो, लाइक 5000 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग, 10 मिनट ट्रेडमिल या साइकिलिंग पे और एनीथिंग, ताकि आपकी बॉडी वो 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करे एंड आप एक डेफिसिट में आ जाओ। एंड नंबर 3, आप दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दो, लाइक 100 कैलोरीज अपनी डाइट से ड्रॉप कर दो और थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर लो, ताकि दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंस से एक डेफिसिट क्रिएट हो जाए। अब अगर आपको अपनी फैट लॉस डाइट के लिए मील्स और कैलोरीज के रेफरेंस चाहिए, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने हर मील के मैक्रोस भी मेंशन किए हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस यार अपनी डाइट के साथ साथ रोज अपने वेट को भी ट्रैक करना, ताकि पहला तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपका वेट ड्रॉप हो भी रहा है या नहीं, और अगर हाँ तो कितना, क्योंकि अगर वो एक पॉइंट पे ड्रॉप होना बंद हो जाए तो आप फिर से अपनी कैलोरीज को ड्रॉप कर सकते हो, लाइक 100 कैलोरीज, एंड या तो अपने कार्डियो को भी थोड़ा और बढ़ा सकते हो। एंड सेकेंडली, आपको रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा, जिससे आप कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड भी रहोगे। सो ये तो हो गई न्यूट्रिशन और डाइट की बातें, अब चलते हैं हमारे वर्कआउट पे। अब वेट ट्रेनिंग के लिए मैं हमेशा की तरह बोलूंगा कि हर मसल को वीक में एटलीस्ट 2 बार हिट करो, जिसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका फैट लॉस कंपैरेटिवली जल्दी होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहे होंगे। एंड दूसरा, हर मसल को वीक में 2 बार हिट करके आप ज्यादा से ज्यादा मसल मास रिटेन कर पाओगे एक कैलोरी डेफिसिट में भी। अब आप एक अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट, आर्नल्ड स्प्लिट या फिर एक पुश पुल लेग्स फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनली काफी टाइम से एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहा हूं, एंड अगर आपको मेरे उस प्रोटीन को चेकआउट करना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। एंड जहां तक बात आई हमारे एब्स की, तो यार एब्स भी एक मसल ही है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उस मसल को अच्छे से स्टिमुलेट करें, जिसके लिए हमें उसे रेगुलरली ट्रेन करना होगा। एंड बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन भी होती है कि बल्किंग वगैरह में अपने एब्स को ट्रेन करें या नहीं, जिसका आंसर है हाँ, जरूर करो, ताकि फैट लॉस के वक्त जब उनके ऊपर का सारा फैट हट जाए तो वो और ज्यादा निखरें, मतलब यार और विजिबल हों। सो इसलिए बल्क करो, कट करो, ये करो, नहीं मतलब ये मत करो, बट अपने एप्स को जरूर ट्रेन करो।
जिससे आप आ जाते हैं मेरी फेवरेट एब्स एक्सरसाइजेस पर। नंबर वन इज वी क्रंचेस। ये मेरी फेवरेट एब्स की एक्सरसाइज है जिससे मुझे अपने एब्स में बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन मिलती है एंड इसके मैं परफॉर्म करता हूँ 4 sets टिल फेलियर। नंबर टू इज केबल क्रंचेस। ये भाई उन एक्सरसाइजेस में से है जिससे अगर आप एक सही फॉर्म के साथ परफॉर्म करोगे तो आपको क्रेजी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको अपनी नीज को बेंड करके अपनी बैक और नेक को स्लोली अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड इसके मैं परफॉर्म करता हूँ 3 to 4 sets ऑफ 15 reps। नंबर थ्री इज डिक्लाइन लेग रेजेस। ये भी मुझे काफी पसंद है क्योंकि इससे मुझे अपने लोअर एब्स में एक बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन मिलता है एंड इसके मैं परफॉर्म करता हूँ 4 sets of 15 reps। नंबर फोर इज सीटेड रिवर्स क्रंचेस। अब इसका नाम भी मुझे वीडियो बनाने के टाइम में पता चला है। इस एक्सरसाइज को मैं हमेशा एज अ फिनिशर परफॉर्म करता हूँ। इसके मैं 3 sets परफॉर्म करता हूँ टिल फेलियर। अब मैं केबल क्रंचेस और डिक्लाइन लेग रेजेस अपने पुश डेज पे करता हूँ और वी क्रंचेस और रिवर्स सीटेड क्रंचेस अपने पुल डेज पर एंड लेग डेज पर रेस्ट एंड फिर से रिपीट। सो ये थी आज की वीडियो एंड यार एप्स के लिए आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन तो चाहिए ही, बट ट्रस्ट मी इट्स ऑल वर्थ इट। बल्कि मैं तो बोलूंगा कि सबको ये एप्स बनाने चाहिए ताकि आप में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आए और साथ में गर्ल्स। सो आई होप मैं आपके ऐप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर पाया एंड अगर आपका कोई डाउट हो सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं हर वीक इस पे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। शेयर इट विद अ फ्रेंड ताकि उसे अपनी फिटनेस जर्नी में हेल्प मिले। एंड बस जाओ क्रंचेस मारो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।